हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्स फिल्म में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? आज हम खड़े हैं एक साउथ कोरियन हैचबैक के सामने जिसका नाम है i20। 2002 में लॉन्च करी थी हुंडई ने i20 इंडिया में, और ये थर्ड जनरेशन देख रहे हैं i20 के आप। 2018 वेरियंट डीजल में, पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है। ये देख सकते हैं इसके आप फोग लैम्प्स, काफी खूबसूरत है, और हेड लैम्प्स हेलोजन बल्ब्स के साथ। प्रोजेक्टेड हेड लैम्प्स का भी ऑप्शन है, और वो टॉप मॉडल में। सामने से कुछ ऐसी दिखती है ग्रिल्स, काफी खूबसूरत ग्रिल्स है। ये हुंडई का लोगो, शुरू होती थी 5,35,000 से, और टॉप मॉडल कीमत थी 9,16,000 रुपये। ये टर्न इंडिकेटर साइड मिरर्स पर ही हैं। 2015 की कार ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं हुंडई i20, इंडियन कार ऑफ द ईयर। ये 15 इंच के स्टील व्हील्स, 16 इंच के अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन है, वो टॉप मॉडल में। ये टेल लैम्प्स पीछे से कुछ ऐसे दिखते हैं। पीछे का लुक गाड़ी का काफी खूबसूरत गाड़ी है, नंबर पे डिजाइन भी है i20 और स्पोर्ट्स की बैजिंग। केसी हुन ने डिजाइन किया i20। i20 से पिछली i20 के छोटे भाई का नाम कुछ लोग i10 और बड़े भाई का नाम i30 बुलाते हैं। इंडिया, टर्की, ईरान, अल्जीरिया, इन देशों में असेंबली होती है i20 की। किया गया जीबी प्लेटफॉर्म पर आधारित i20। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स, एबीएस, एबीडी, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, इंजन इमोबिलाइजर और बहुत से फीचर्स मिलते हैं सेफ्टी के उसमें। मारुति के बाद सेल्स में जो बाजार का बाजार में हिस्सा है ज्यादा, तो हुंडई का ही है। लोग काफी पसंद करते हैं। ये फ्रंट डोर साइड देख सकते हैं आप डुअल टोन में, कुछ ऐसे दिखते हैं विंडोज के कंट्रोल्स। हुंडई i20 में 6 स्पीकर्स का आर्कनिस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। चाबी लगा लेते हैं, कुछ ऐसा दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आरपीएम मीटर, टैकोमीटर, पीछे में माइडी स्क्रीन, इसमें टाइम, ट्रिप मीटर वगैरह वगैरह दिखता है। और यहाँ से राइट साइड से सेट होते हैं एमआईडी के कंट्रोल्स, रीसेट, ट्रिप मोड, और लेफ्ट साइड में म्यूजिक कंट्रोल्स हैं सेंट्रल कंसोल के। इसमें आप देख सकते हैं रेडियो, एफएम, ब्लूटूथ, और नीचे मैनुअल एसी के कंट्रोल्स। इसके नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और एक यूएसबी और ऑक्स पोर्ट मिलता है। ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये मैनुअल ब्रेक, हैंड ब्रेक, ये आर्मरेस्ट मिलता है। आर्मरेस्ट के अंदर काफी जगह है। ये देख सकते हैं आप कैबिन में लाइट्स, पीछे से बैक मिरर, कुछ ऐसा दिखता है ग्लो बॉक्स, कूल ग्लो बॉक्स है, कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड डुअल टोन में। ये इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स, ये वाइपर्स के कंट्रोल्स, ये ट्विटर्स, और नीचे स्पीकर्स। आइए पीछे की सीट पर जाकर देखते हैं कितना स्पेस है। कुछ ऐसा दिखता है पीछे का डोर, इस पर भी डुअल टोन फिनिश है, और विंडोज के कंट्रोल्स, नीचे स्पीकर्स,
और 1 लीटर का बोतल स्पेस भी है। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री की सीट मिलती है, कुछ ऐसा दिखता है पीछे से डैशबोर्ड, डुअल टोन फिनिश के साथ, ब्लैक एंड बीच कलर, बीच में लाइट्स भी मिलती हैं। ये हेडरेस्ट नॉन एडजस्टेबल्स है, पीछे एसी वेंट्स भी मिलते हैं। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। मारुति के बाद जो सेल्स में टक्कर देता है, हुंडई ही देता है सेल्स में टक्कर मारुति को, क्योंकि बलेनो के बाद i20 ही बिकती है ज्यादा। आइए देखते हैं बूट स्पेस कितना है i20 का। ये की में फीचर्स है, आगे नहीं है इसमें, ये जैसे दबा के रखने से बूट ओपन हो जाता है। पीछे ऑप्शन है, बटन है, कुछ ऐसा दिखता है बूट स्पेस। 285 लीटर का बूट स्पेस मिलता है i20 में। ये 15 इंच का फुल स्पेयर व्हील्स, 1 इंच छोटा नहीं मिलता, फुल स्पेयर मिलता है। ये पार्सल ट्रे, आप इस पर सामान रख ले जा सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। हुंडई i20 पर 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी देता है। हुंडई का लोगो, इसमें एक और वेरिएंट भी आता है पेट्रोल में। आइए इंजन चेक करते हैं, इंजन की साउंड कैसी है। कुछ ऐसा दिखता है इंजन डीजल में, 1400 सीसी, 4 सिलेंडर, U2 CRDI इंजन मिलता है। इसकी 90 PS पावर्स और 220 Nm का टॉर्क यूज़ करती है 24 के माइलेज के साथ। आप सुन सकते हैं इंजन की साउंड। काफ़ी बेहतरीन इंजन हुंडई की गाड़ियाँ टिकाऊपन के लिए मशहूर है अपनी। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, ताकि मैं और भी वीडियो ला करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।